हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है बंदर और मगरमच्छ की हिंदी कहानी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। एक नदी के किनारे एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस नदी में एक मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहता था। धीरे धीरे मगरमच्छ और बंदर दोनों दोस्त बन गए। बंदर उस पेड़ से मीठे मीठे जामुन खाता था और मगरमच्छ को भी खिलाया करता था। एक दिन मगरमच्छ उनमें से कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए ले गया। मगरमच्छ की पत्नी ने मीठे मीठे जामुन खाए और उसने सोचा कि जामुन इतने मीठे हैं तो उन जामुनों को रोज खाने वाले बंदर का कलेजा भी बहुत मीठा होगा। उसने मगरमच्छ से कहा कि तुम कल अपने दोस्त बंदर को मेरे पास लेकर आना, मैं उसका कलेजा खाना चाहती हूँ। अगले दिन मगरमच्छ नदी में तैरता हुआ बंदर के पास गया। तब मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है, तुम मेरे साथ मेरी पत्नी के पास चलो। बंदर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। तब मगरमच्छ ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले चलूँगा। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठने के लिए तैयार हो गया और फिर बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ नदी में तैरने लगा। बंदर को नदी की सैर करने में बहुत मज़ा आ रहा था। जब वे दोनों नदी के बीच में पहुंच गए तब मगरमच्छ ने बताया कि मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है, इसलिए तुम्हें बुलाया है। मगरमच्छ की बात सुनकर बंदर डर गया, लेकिन बंदर ने चालाकी से कहा कि मेरा कलेजा तो मैं पेड़ पर छोड़ कर आया हूँ, हमें कलेजा लेने के लिए पेड़ के पास जाना पड़ेगा। मगरमच्छ ने बंदर की बात मान ली और वह पलटकर पेड़ की तरफ चल दिया। मगरमच्छ बंदर को लेकर नदी के किनारे जामुन के पेड़ के पास पहुंचा। पहुंचते ही बंदर मगरमच्छ की पीठ पर से उतरकर जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ने के बाद बंदर ने मगरमच्छ से कहा कि आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। बंदर अपनी चतुराई से बच गया और मूर्ख मगरमच्छ मुंह लटकाकर चला गया। शिक्षा: इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय घबराने की जगह हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करके उस मुसीबत को दूर करने का उपाय सोचना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।